जी अस्सलाम वालेकुम। हम बिज़नेस लॉ का चैप्टर 24 डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग्स। इसकी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया थी मीटिंग्स की एक टाइप स्टैट्यूटरी मीटिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। हम इसको डिटेल में रिक्वायरमेंट समझने से पहले कि किसने इसको कॉल करनी है, कितने अरसे में कॉल करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टाइम फ्रेम क्या है, उससे पहले हम इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इस मीटिंग का पर्पज़ क्या होता है। जैसा कि हमें पता है, आपको भी पता है, जस्ट इसको रिकॉल करते हैं कि जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और कंपनी को जो रन कर रहे होते हैं, जो ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका चैप्टर 27 कि उन्होंने क्या करनी है, ईयर एंड पे क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर उनका ऑडिट करवाना है, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट अटैच करके, जो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है वो जो ऑडिट रिपोर्ट देती है, आप उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उस ऑडिट रिपोर्ट को अटैच करते हैं, एंड डायरेक्टर साथ में अपनी एक रिपोर्ट अटैच करते हैं जिसमें वो कंपनी के पूरे साल की परफॉर्मेंस पे, पूरे साल के आने वाले सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स को, सिग्निफिकेंट चेंजेस को उस रिपोर्ट में डिस्कस करते हैं, और फिर वो मेंबर्स के सामने एक मीटिंग में पेश की जाती हैं, मेंबर्स के सामने प्रेजेंट की जाती हैं। मेंबर्स उस मीटिंग में क्या करते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं नए नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर का ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, और उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। वो जो जनरल मीटिंग होती है, वो जिस मीटिंग में सारा काम हो रहा होता है, वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ये साल में सिर्फ एक दफ़ा ही होती है, ईयर एंड के बाद। अब इसका पर्पस अभी मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर हम देख भी लेते हैं कि AGM मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस को डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकें, कि वो उनसे क्वेश्चन कर सकें कि हाँ जी, हमारी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस ये थी, अब जो आपने हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हैं, एनुअल परफॉर्मेंस दी है, ये बता रही है, ये चेंजेस आए हैं, रीजंस बताएं, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मीटिंग के, उसके अंदर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं, फाइनल डिविडेंड अप्रूव करते हैं। चैप्टर 26 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट ईयर का ऑडिटर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट भी कब होती है, इसी जनरल मीटिंग में होती है जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं जिन पर आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ सकता है, जो क्या करते हैं मेंबर्स, उस पर यहाँ पर आप रेजोल्यूशन पास करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आर्टिकल्स आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हुए मेंबर्स अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखवा देते हैं कि अगर 100 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होगी, तो मेंबर्स के रेजोल्यूशन के बगैर कंपनी के डायरेक्टर्स वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और जो डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि वो एक सब्सिडरी, एक कंपनी अक्वायर करें जिसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 200 मिलियन, तो वो जब तक मेंबर्स का अप्रूवल नहीं होगा, जब तक मेंबर्स की रेजोल्यूशन नहीं होगी पास हुई, परमिशन नहीं होगी, तब तक डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट, उसको इन्वेस्टमेंट को नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए भी मे बी यहाँ पर रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड हो सकती है। ये है एनुअल जनरल मीटिंग का बैकग्राउंड पर्पस, ताकि मैंने कहा आपका डाटा रिकॉल कर लूँ, आपके नॉलेज को रिकॉल कर लूँ, ताकि आगे पढ़ते हुए आपको समझने में आसानी हो। जी, अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट किसकी है। जैसे कि अभी मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन में बताया कि ये इस मीटिंग के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की एनुअल परफॉर्मेंस को प्रेजेंट किया जाता है, कंपनी के नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कंपनी का नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। ये रिक्वायरमेंट तो हर कंपनी के लिए है, तो मतलब क्या हुआ कि एनुअल जनरल मीटिंग भी हर कंपनी ने अटेंड करानी है। लेकिन यहाँ पर सिंगल मेंबर कंपनी को फिर भी एक्सेप्शन है, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी का एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही मेंबर होता है, जो खुद शेयर होल्डर होता है, खुद ही क्या होता है, डायरेक्टर होता है, वही बिजनेस को ऑपरेट कर रहा होता है। अब सिंगल मेंबर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एस एस सी पी में
सेपरेट से प्रोविजंस हैं, सेपरेट से उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कि हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर हैं, वो फाइनल के सिलेबस में हैं, इसलिए हम उनको यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। मतलब हर कंपनी ने, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी ने, एनुअल जनरल मीटिंग क्या करवानी है, करवानी है, जिसमें मेंबर्स क्या करेंगे, वोट देंगे सर्टन रेजोल्यूशंस पर। अब रेजोल्यूशन क्या हो सकते हैं, आपको उसकी मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं। और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है, जस्ट ये डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं, ये मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते। हालांकि ये मेंबर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, लेकिन शेयर होल्डर्स इस मीटिंग को कॉल नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स ही कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम मीटिंग की एक और टाइप पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसमें हम देख रहे होंगे कि मेंबर्स भी उस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टर्स भी कॉल कर सकते हैं जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइमिंग, कि एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी ने करवानी तो है साल में एक दफ़ा, लेकिन किस वक्त करवानी है, हम वो देखते हैं। हम इसमें देखेंगे कि अगर कंपनी का पहला साल है, कंपनी अगर इस साल में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब, कितने अरसे के अंदर होगी। अगर कंपनी पहले से ऑपरेट कर रही है, तो उसने किस तरह से एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी ने कब करवानी है, विदिन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो कंपनी की है, वो अपनी इनकॉर्पोरेशन से 16 मंथ के अंदर क्या करवाएगी, और उसके अलावा हर साल में एक दफ़ा। फिर हमें यहाँ पर, यहाँ पर वो बताते हैं कि सबसीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग्स के बाद में, अगर एक साल के बाद जो कंटिन्यूस कंटिन्यू कर रहा है, तो हर साल वो जो उसका फाइनेंशियल ईयर है, हमें पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, आप अकाउंटिंग में पढ़ते होंगे, 30 जून मैक्सिमम आप पढ़े होंगे, या 31 दिसंबर पढ़े होंगे। तो अगर आप 31 दिसंबर है, जो भी आपके फाइनेंशियल ईयर है, आप 31 जनवरी है, आपका 28 फेब है, आपका 31 मार्च है, इट डजंट मैटर, तो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उससे 120 डेज के अंदर आपने एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो आपने 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम फ्रेम है, आपने उसके अंदर क्या करनी है, एजीएम को विधेयल्ड करना है। अगर आपकी 30 जून ईयर एंड है, तो आपने 31 अक्टूबर, आई थिंक 120 दिन बनते हैं, या 28, 29, 30 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट बनेगी, तो आपने उसके अंदर क्या करनी है, एजीएम को करवानी है। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी इसके अंदर वो नहीं करवाती है, तो कंपनी को पेनल्टीज होती हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स को पर्सनल लेवल पे जाकर भी पेनल्टी हो सकती है जी। अब यहाँ पर SEC, हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि लिस्टेड कंपनी पर गवर्नमेंट का, लॉ का कोई ख़ास ही रहमो करम है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं। अगर लिस्टेड कंपनी ने एक्सटेंशन लेनी है 120 दिन में, वो कहते हैं कि 120 दिन में तो ये नहीं हो सकता, हमें 140 दिन चाहिए, तो वो एक्सटेंशन ले सकता है, लेकिन उसको एक्सटेंशन देगा SEC, कमीशन, बड़ी अथॉरिटी। उसके अलावा जितनी भी कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी है, उनको रजिस्ट्रार देगा, ये लोकल पर्सन है, इसके पास इतनी अथॉरिटी, खैर होती इसके पास भी है, लेकिन लिस्टेड कंपनी किसके पास जाएगी, कमीशन के पास जाएगी, SEC के पास जाएगी, और वो 30 दिन तक की मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं, 120 दिन की बजाय उस केस में 150 दिन हो जाएंगे ईयर एंड से। ये आपके टाइम फ्रेम की, इस टाइम के अंदर कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है। एनुअल जनरल मीटिंग की अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नोटिस, जाहिर सी बात है, जब आप एक लिस्टेड कंपनी है, उसके हज़ारों की तादाद में शेयर होल्डर्स होते हैं। अब रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि अटक रिफाइनरी जो लिमिटेड है, उसके 7,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। अब उनको इन्फॉर्म करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर किसी के पास एक भी शेयर है, तो वो क्या है, कंपनी का मेंबर है, शेयर होल्डर है, उसके पास राइट है कि वो भी एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करे और उसमें वोट दे। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 21 दिन पहले क्या करे, नोटिस भिजवा दे हर मेंबर को कि उसने मीटिंग में आना है। 21 दिन कब, जिस दिन की मीटिंग डेट है, फॉर एग्जांपल अगर 21 जनवरी मीटिंग डेट है, तो 1 जनवरी से पहले पहले मैंने वो नोटिस भिजवाना है। अगर मेरे पास फिर आता है कि लिस्टेड कंपनी पर, जहाँ पर फिर कुछ ज़्यादा रहमो करम किया गया है कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी ने उस मीटिंग के नोटिस को दो अखबारों में प्रिंट करवाना है, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करवाना है,
उर्दू न्यूज़पेपर, शायद हो सकता है कि शेयर होल्डर्स नालायक हों, उनकी इंग्लिश ना आती हो तो उर्दू में पढ़ लें। एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन हो, जैसे कि आपका डॉन न्यूज़, जैसे कि आपका दी न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं जिनकी वर्ल्ड नेशन वाइड सर्कुलेशन होती है। उर्दू में आपके एक्सप्रेस न्यूज़ भी, आपका 192 न्यूज़ भी, आपका जंग न्यूज़ भी है, सारों के नेशन वाइड सर्कुलेशन है। तो इन तीनों के अंदर, इनमें से किसी के अंदर भी वो उस नोटिस को पब्लिश करवा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि द सैड नोटिस शैल बी आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू द कमीशन। आपने मतलब ये कमीशन को भी देना है। यहाँ पर एक और पॉइंट बताता जाऊँ कि आपने ये एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस कंपनी ने अपने ऑडिटर को भी भिजवाना है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर उसकी ऑडिटर रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि इस मीटिंग को अटेंड करे। इससे पहले ऑडिट वाला पोर्शन आपके चैप्टर 27 का पार्ट था, अभी स्प्रिंग 20 अटेम्प्ट तक, लेकिन ऑटम 20 की अटेम्प्ट के लिए रिवाइज सिलेबस में आई कैप ने ऑडिट वाला पोर्शन निकाल दिया है। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस होता है, ये ऑडिटर को भी भिजवाना होता है कंपनी ने। फिर आते हैं कि ये एनुअल जनरल मीटिंग हमने करवानी किस जगह पर है। अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, थोड़े से शेयर होल्डर्स होंगे, सारे एक जगह पर रहते होंगे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, उसके लिए इतना मसला नहीं है। वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, हेड ऑफिस में मीटिंग विदेल्ड कर सकते हैं। मसला है लिस्टेड कंपनी के लिए, जैसे कि आपको बता रहा था, जिसके हज़ारों में शेयर होल्डर्स होते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में 7,000 समथिंग शेयर होल्डर्स बताए थे, तो उस केस में उस कंपनी ने मीटिंग कहाँ पर करनी है। तो स्पेशल के लिए लिस्टेड कंपनी के लिए क्या कहा गया है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी का जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो या तो जहाँ वहाँ पर मीटिंग करेगी या उसके नियरेस्ट सिटी में मीटिंग करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर उसका ऑफिस लाहौर में है तो लाहौर वाले या तो कसूर में कर सकते हैं, या तो शेखुपुरा में कर सकते हैं, या मुरीद के में कर सकते हैं। वो ये नहीं करेंगे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में और वो जाकर इस्लामाबाद में मीटिंग कर रहे हो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद में है तो वो रावलपिंडी में भी कर सकते हैं, वो साथ में है, वो साथ में टेक्सला में भी कर सकते हैं, वो भी नियरेस्ट सिटी हैं। तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है। अगर मेंबर्स लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स के लिए एक और उन्होंने थोड़ी सी कि उनको क्या किया है, रिलीफ दिया है, उनके फेवर में एक अनाउंसमेंट किया है कि लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स अगर जिस सिटी में मीटिंग हो रही है उस सिटी में नहीं रहने वाले। फॉर एग्जांपल, मेरे मेपल लीफ में क्या है, शेयर्स हैं, मेपल लीफ के एनुअल जनरल मीटिंग है, मेपल लीफ के हेड ऑफिस है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, जो पंजाब बोर्ड लाहौर है उसके साथ है, बागे जनाह के साथ। अगर वहाँ पर मीटिंग हो रही है और मैं मियाँ वाली से उस सिटी का रेजिडेंट नहीं हूँ, तो मेरे मुझे ऑप्शन दिया है किसने, SECP ने इस एक्ट के थ्रू, कि अगर मेरे पास 10% शेयर कैपिटल का मेरे पास शेयर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख शेयर हैं तो मेरे पास कम से कम 10,000 शेयर्स अगर हैं, तो मैं मीटिंग से 7 दिन पहले कंपनी की डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को कह सकता हूँ कि वो मुझे वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस मीटिंग को थ्रू वीडियो लिंक अटेंड करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास 10% वोटिंग पावर या 10% ऑफ शेयर कैपिटल मेरी होनी चाहिए, उससे कम होगी तो मैं नहीं कह सकता जी। अब हम देखते हैं आपकी थर्ड टाइप, मीटिंग्स की लास्ट टाइप है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हमने इससे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर पब्लिक कंपनी ने क्या करवाना है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस से 180 डेज या 9 मंथ्स के अंदर क्या कराना है, स्टेट्यूटरी मीटिंग करनी है। और हमने अभी पढ़ा है एनुअल जनरल मीटिंग कि वो साल में एक दफ़ा होगी। अगर इन दोनों के अलावा, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स पर मेंबर्स का अप्रूवल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, तो लाज़मी नहीं कि अगर मैंने, फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कंपनी ने 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए मेंबर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड है थ्रू रेजोल्यूशन। अब अगर वो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है जाके अक्टूबर के एंड पे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है फरवरी या मार्च के अंदर, तो अब वो एनुअल जनरल मीटिंग का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग तो अब होनी नहीं है, वो जस्ट लाइफ में एक ही दफ़ा होती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, स्टार्ट होती है। अब एनुअल जनरल मीटिंग तो कर नहीं सकते, उसका इंतज़ार तो कर नहीं सकते 7-8 महीने तक। वो क्या करवाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवाएंगे उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। अगर मेंबर्स ने ऑडिटर को रिमूव करना है,
अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले आपके सिलेबस का पार्ट था, 27 चैप्टर का ये पोर्शन था। उसके लिए मेंबर थ्रू रेजोल्यूशन क्या कर सकते थे, ऑडिटर को रिमूव कर सकते थे। तो अगर वो उसके लिए अगर उन्होंने एक एजीएम पर ऑडिटर अपॉइंट किया है तो नेक्स्ट एजीएम तक तो नए अकाउंट्स बन जाएंगे। अगर उससे पहले अगर ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं तो उनको थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन उस ऑडिटर को रिमूव करना है। तो उसके जो मीटिंग कॉल करेंगे, अब उसका नाम ना तो एनो जनरल मीटिंग है ना उसका नाम स्टैट्यूटरी मीटिंग है। तो एनो जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा मेंबर्स की जो भी जनरल मीटिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एवरी जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी अदर देन एजीएम, एनो जनरल मीटिंग एंड द स्टैट्यूटरी मीटिंग, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब इसकी रिक्वायरमेंट, अब जिसकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ नहीं कहता किसी को कि आप मीटिंग को रिक्वायर्ड है। अब ये नीड पर डिपेंड करता है। अगर मेंबर्स का रेजोल्यूशन, मेंबर्स का अप्रूवल जब जब रिक्वायर्ड होगा तो डायरेक्टर्स क्या करवाएंगे, मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे, कहेंगे कि आएं जनाब और रेजोल्यूशन पास करें, अप्रूवल दें, हमने ये काम करना है। अगर मेंबर्स खुद चाहते हैं कि वो एक चीज़ रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स के राइट्स को कम करें तो वो उसके लिए मेंबर्स खुद भी वो मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। ये वाहिद मीटिंग है जिसको मेंबर्स खुद कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एनो जनरल मीटिंग मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं। क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे अप्रूव होती है, तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है वो डायरेक्टर्स ने बनानी होती है। तो जब तक डायरेक्टर्स वो रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो मीटिंग कॉल ही नहीं हो सकती। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर किसके पास है, डायरेक्टर्स के पास है। एंड एनुअल जनरल मीटिंग की पावर भी कॉल करने की डायरेक्टर्स के पास है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मेंबर्स भी कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टर भी कॉल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉलिंग ऑफ EGOM। ये डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी आर एंटाइटल टू कॉल एंड होल्ड एन EGOM ऑन देयर ओन मोशन वेन एवर दे फील द नीड। यहाँ पर नीड पे डिपेंड करता है, जब जब ज़रूरत होगी तब तक ये मीटिंग कॉल की जाएगी टू गेट सम अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। जैसे कि मैंने कहा था कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है किसी सब्सिडरी में, कहीं पर उसने लोन देना है किसी एसोसिएटेड कंपनी को, तो उस केस में मेंबर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। चैप्टर 26 में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे भी। तो तब वो इसको कॉल करेंगे, तब वो एजीएम का इंतज़ार तो कर नहीं सकते, तो फौरन मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे और क्या करवाएंगे, इस मीटिंग को कॉल करवाएंगे। अब मेंबर्स होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ टोटल ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेंबर्स जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो, उन्हीं के पास पावर है, अथॉरिटी है, इतनी थोड़ी उनको रेस्पेक्ट दी गई है, उससे नीचे वालों को कोई घास भी नहीं डालता। अब यहाँ पर मेंबर नहीं है, मेंबर्स की बात हो रही है। तो पांच छह मेंबर मिलकर जिनकी 10% टोटल टोटल की बन रही है, वो मिलकर भी क्या कर सकते हैं, वोट कॉस्ट इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल होगा तभी क्या होंगे, 10% होंगी। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% ऑफ ऑल मेंबर्स। अगर फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है उसका शेयर कैपिटल नहीं है, तो उससे अगर 50 मेंबर्स हैं तो 10% बनते हैं 5 मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स मिलकर क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है अगर मेंबर कॉल करना चाहते हैं, तो डायरेक्टर्स तो जब सूटेबल होगा, उनको रिक्वायर्ड होगी, वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंबर्स कॉल करना चाहें तो उसके लिए मेंबर्स को क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, मेंबर ने क्या करना है, प्रॉपर रिटर्न रिक्विजिशन फाइल करनी है कंपनी को, एंड उस रिक्विजिशन को क्या करना है, साइन भी करना है अपने बिहाफ पे कि हाँ जी ये मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मीटिंग कॉल कर रहा हूँ। या अगर तीन एक से ज़्यादा मेंबर्स मिलकर, फॉर जब मैंने एग्जांपल दिया कि 10 5 मेंबर्स हैं जिनके पास 2 2% वोटिंग पावर्स हैं, वो 10 11% बन रहे हैं, तो उन मिलकर पाँचों के पाँचों बंदे उस पर साइन करेंगे कि हाँ जी हम इस मीटिंग को कॉल कर रहे हैं। डायरेक्टर शुड कॉल द मीटिंग ऑन सच वैलिड रिक्विजिशन। अगर रिक्विजिशन वैलिड है तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस मीटिंग को कॉल करें। अगर डायरेक्टर्स क्या करते हैं, नोटिस से 21 दिन के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करते, कॉल नहीं करते उस रिक्विजिशन के बाद,
तो फिर जो मेंबर हैं वो उस मीटिंग को खुद भी कॉल कर सकते हैं, मेंबर्स के पास राइट है कि उस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, वो खुद नोटिस सारे मेंबर्स को भिजवा दे, मेंबर्स के एड्रेस लेकर, और मेंबर्स को बुलाए कि आपने इस डेट पे आके क्या करना है, मीटिंग करनी है और हमने ये रेजोल्यूशन पास करना है। अब हम देखते हैं कि अगर जिस दिन पे कंपनी रिक्विजिशन फाइल हुई है, किसी मेंबर ने जब रिक्विजिशन फाइल की है, तो फिर कंपल्सरी है या तो क्या करे वो मीटिंग नोटिस से 90 डेज के अंदर, रिक्विजिशन से 90 डेज के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए, चाहे वो मीटिंग डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स करवा लें, चाहे वो मेंबर्स जिन्होंने रिक्विजिशन फाइल की थी वो करवा लें। अगर 90 डेज के अंदर वो रिक्विजिशन से 90 डेज के अंदर अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं होती, जो वो रिक्विजिशन है वो क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी और मेंबर्स को दोबारा से नई रिक्विजिशन फाइल करनी पड़ेगी। एंड अगर मेंबर्स ने क्या की, रिक्विजिशन फाइल की, डायरेक्टर्स ने वो मीटिंग नहीं करवाई और मेंबर्स ने खुद क्या की, वो मीटिंग कॉल करवा के मीटिंग करवा ली, और उस मीटिंग को जो नोटिस उसने सब मेंबर्स को भिजवाए होंगे, फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी के 5,000 मेंबर्स थे, उस मेंबर ने जिसने मीटिंग करवाई है उसने 5,000 नोटिसेस प्रिंट करवाए होंगे, साथ में जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसने वो भी अटैच किए होंगे, उसने सबको भिजवाए होंगे, और उस मीटिंग में जितने भी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर हुए होंगे उस रिक्विजिशन लिस्ट के, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसको रीपे होंगे। और कंपनी क्या करेगी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन से काटेंगे, डायरेक्टर्स की तनख्वाह से काटेंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मीटिंग करवाना, लेकिन डायरेक्टर्स ने वो मीटिंग नहीं की, डायरेक्टर्स की वजह से ये मीट का खर्चा किसको पड़ा, मेंबर्स को पड़ा। तो यहाँ पर मेंबर्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है कि अगर डायरेक्टर्स मेंबर्स की बात नहीं मानेंगे तो उनको फाइन भी हो सकते, जैसे कि यहाँ पर एक तरह का इनडायरेक्टली फाइन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि नोटिस इस मीटिंग का क्या करना है, कंपनी ने या मेंबर ने नोटिस देना है, इज टू बी सेंट एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, जस्ट लाइक एजीएम, जैसे हमने एजीएम का नोटिस दिया था 21 दिन पहले का, तो वो क्या करना है, इसका भी आपने 21 दिन पहले का नोटिस देना है। स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी हमने कहा था कि 21 दिन पहले नोटिस देना है। तो हम कह सकते हैं कि मेंबर्स की जितनी भी जनरल मीटिंग्स होंगी उसका 21 दिन पहले नोटिस भिजवाना कंपलसरी है, लीगल रिक्वायरमेंट है, ये लाजमी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी रिलैक्सेशन है, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, मतलब क्या है कि लिस्टेड कंपनी ने हर केस में 21 दिन पहले नोटिस भिजवाना ही भिजवाना है। अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है या एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसके लिए है कि वो क्या कर सकते हैं, अगर उसके सारे मेंबर्स एग्री हों तो वो शॉर्टर नोटिस पे भी क्या कर सकते हैं, इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 12 शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो एक खाने पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ये चाह रहा हूँ कि ना हम ऐसे करें, हमने रेजोल्यूशन पास करते हैं और जो हमारा ऑडिटर है इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब उस केस में क्या होगा कि कंपनी के मेंबर्स कहते हैं कि यार चलें ठीक है हाँ ऐसे कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर सारे एग्रीड हैं, तो वो उनको कहते हैं कि जी आपको 5 मिनट का नोटिस है, 5 मिनट के बाद हम रेजोल्यूशन को पास करेंगे, इस मीटिंग को डिस्कस करेंगे, ये हमारा क्या है डिस्कशन है। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है एट ए शॉर्टर नोटिस, लेकिन लिस्टेड कंपनी को हर केस में क्या करना है, 21 दिन पहले का नोटिस देना ही देना है। ये थी आपकी लास्ट टाइप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि कमीशन के पास क्या पावर्स हैं मीटिंग कॉल करने की मेंबर्स की, ये आपका सेक्शन 147 डील करता है कंपनी लॉ का, कंपनीज एक्ट का। जी कमीशन के पास पावर है कि वो कंपनी के मेंबर्स की जनरल मीटिंग को कॉल करे, लेकिन किस केस में, इफ़ द कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कॉलिंग, अगर वैसे तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंबर्स की मीटिंग कॉल करे, अगर कंपनी नहीं करती किन केसेज में, तो कमीशन भी कर सकता है एन एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कंपनी 120 डेज के अंदर एजीएम कॉल नहीं करती या और एक्सटेंशन भी नहीं लेती, तो फिर पावर किसके पास चली जाती है, कमीशन के पास चली जाती है। उसके अलावा स्टैट्यूटरी मीटिंग, अगर कंपनी, हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी है, उसने अपनी इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ और सॉरी इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ
एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 180 डेज जो भी अर्लियर हो उससे आपने क्या करनी है, स्टेचुटरी मीटिंग हेल्ड करनी है। अगर कंपनी स्टेचुटरी मीटिंग नहीं करवाती इस पीरियड के दौरान, तो ये कॉल करने की पावर किसके पास चली जाती है, कमीशन के पास चली जाती है। अगर जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की जो रिक्वजिशन अगर है, मेंबर ने रिक्वजिशन फाइल की है और डायरेक्टर ने उनके कहने पर मीटिंग कॉल नहीं की, तो मेंबर्स कमीशन को भी कह सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो फिर कमीशन क्या करेगा, उस मीटिंग को कॉल कर सकता है। जब मेंबर मीटिंग कॉल कर रहा होगा तो वो मीटिंग के साथ साथ कुछ डायरेक्शंस भी दे सकता है। वो डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं, वो कह सकता है कि इस मीटिंग का जो कोरम, कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग। अब आगे जाकर इसको डिस्कस भी करते हैं इसी वीडियो के अंदर कि मिनिमम जो कोरम वैसे लॉ ने डिफाइन किया हुआ है, हम आगे जाके देखते हैं कि लिस्टेड कंपनी के जो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स मेंबर्स मिनिमम इन पर्सन 10 अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो कह सकते हैं कि मिनिमम अगर इस मीटिंग की जो हम कॉल कर रहे हैं इसके लिए 20 होंगे तो उसके लिए 20 रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा वो कह सकते हैं कि जो इस मीटिंग के सारे एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के इन तीन डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन से पे करने हैं, तो वो भी डायरेक्शन दे सकते हैं जो उसको पॉसिबल रीजनेबल लगती हैं। द कमीशन में आल्सो एडवाइज द कॉस्ट एंड एक्सपेंसिस, सेम वाली बातें हैं कि ये किसने बॉन करने हैं, एनी ऑफिसर इंक्लूडिंग द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, वो डायरेक्टर्स को भी वो कॉस्ट पे करवा सकता है। ये थी कमीशन पावर टू कॉल मीटिंग। अब जी, क्या मीटिंग जो मेंबर्स की होती है उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्टन कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होना ज़रूरी है। व्हेन देयर आर मटेरियल इफेक्ट्स और ओमिशंस इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, इन नोटिस या प्रोसीडिंग्स, इरेगुलर प्रोसीडिंग हुई है मीटिंग में, कुछ मेंबर्स के जो राइट्स हैं वोटिंग, उनको थोड़ा सा उनको नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, उनको डिस्करेज किया गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, मेंबर्स हैविंग 10% और मोर वोटिंग राइट्स, है मेंबर्स हैविंग 10% और मोर वोटिंग राइट। अगर एक मेंबर, उसके पास अगर 1 लाख में से 11,000 शेयर्स हैं, तो वो खुद भी जाके क्या कर सकता है, कमीशन कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, कोर्ट मतलब जो भी रेलेवेंट जुडिशियल कोर्ट होगा, विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग। अगर एक मेंबर के पास 10% राइट्स नहीं है, 10-12 मतलब 10-12 मेंबर्स मिलकर जिनके पास 10% वोटिंग राइट्स हों, वो भी जाकर विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और कोर्ट क्या कर सकता है, उस पिटीशन की बेस पर सच मीटिंग को इनवैलिड करा दे सकता है और कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि हाँ जी, आप एक फ्रेश जनरल मीटिंग कंसिडर करें, और जिस मीटिंग को उसने इनवैलिड कहा होगा उसके अंदर होने वाले, पास होने वाले सारे रेजोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, वो दोबारा से कंपनी को पास करने पड़ेंगे। अब जी हम देखते हैं नोटिस ऑफ मीटिंग, ये प्री कंडीशन है, इससे पहले मीटिंग हो ही नहीं सकती, नोटिस जाएगा तो मीटिंग होगी वरना मीटिंग नहीं होगी। हम देखते हैं कि नोटिस होता क्या है। नोटिस ऑफ मीटिंग इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट सेंट टू ईच मेंबर एट इज रजिस्टर्ड एड्रेस। रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होता है, जब आप शेयर्स करते हैं किसी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक ट्रांसफर डी टाइप डॉक्यूमेंट होता है, आप वो फिल करते हैं, उसमें आप अपना एड्रेस, सारे आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, प्रॉपर मोबाइल नंबर, सारा कुछ बताते हैं कि आपकी कंपनी डिविडेंड इशू करती है, आपको प्रॉफिट शेयर देती है, तो किस अकाउंट में जमा करवाए, मीटिंग या कोई नोटिस होते हैं तो आपको किस एड्रेस पर भिजवाए, और विच सच एड्रेस विच हैज़ बीन सप्लाइड टू द कंपनी फॉर कम्युनिकेशन। अब नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शैल आल्सो बी सेंड टू द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितनी जनरल मीटिंग्स होंगी, चाहे वो स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग हो, चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो, उसका नोटिस कंपनी के आपने ऑडिटर्स को भी, कंपनी ने भिजवाना ही भिजवाना है जब वो मेंबर्स को भिजवा रही होगी। दिस नोटिस शैल स्टेट प्लेस, किस जगह पर मीटिंग होगी, किस दिन होगी और मीटिंग की टाइमिंग क्या होगी, और अगर उस मीटिंग के अंदर कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो जिस बिजनेस को, बिजनेस हम क्या कहते हैं, अभी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि एजेंडा, एजेंडा टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग इज कॉल्ड ए बिजनेस, के जो भी एजेंडा है, जिस एजेंडा पे, जिस पॉइंट पे, जिस पर्पस के लिए, जिस इशू के लिए आपने रेजोल्यूशन पास करना है, अप्रूवल लेना है, तो आपने उस नोटिस के अंदर उसका क्या करना है, बिजनेस का
उस प्रदर्शन का बिजनेस भी देना है कि किस बिजनेस के लिए आपने प्रदर्शन पास करना है। द नोटिस मे बी सर्व टू द मेंबर अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट और बाई पोस्ट और कोरियर सर्विस और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और एनी अदर स्पेसिफाइड मैनर। आपने जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है, आपने जाकर क्या करना है, मेंबर्स को नोटिस पहुंचाना है कि हाँ जी मीटिंग है। इफ़ द मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू डिस्कस एंड ट्रांजैक्ट एनी स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस वो होता है वो एजेंडा जिसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। स्पेशल बिजनेस इन सेंस स्पेशल बिजनेस आपको किसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि नॉर्मली जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस ऊपर डिस्कस किया था, वो क्या हो सकता है जो जनरल, जहाँ पर मेंबर्स का अप्रूवल, मेंबर्स की उस पर वोटिंग जनरल है, जैसे कि डायरेक्टर्स ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, जैसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, जैसे कि डिविडेंड की अप्रूवल, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना, ये ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं, ये हर कंपनी के हर मेंबर्स ने लाजमी करने हैं एजीएम पे। अब मेमोरेंडम में अल्टरेशन करना, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, वो स्पेशल बिजनेस है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। अब आर्टिकल्स में अल्टरेशन करना एक स्पेशल बिजनेस है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। किसी एसोसिएटेड कंपनी में किसी सब्सिडरी को लोन देना या लोन लेना, ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये स्पेशल बिजनेस है। तो उसके लिए अगर आप कंपनी की मीटिंग में ऐसी मीटिंग करवाने जा रहे हैं जिसमें आपने क्या करना है, कुछ स्पेशल बिजनेस क्या करना है, डिस्कस करना है और उस पर रेजोल्यूशन पास करवाना है, तो उस केस में आपने उस मीटिंग के नोटिस के साथ साथ अटैच करने हैं सारे मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग सच बिजनेस, उस इशू के रिलेटेड, उस बिजनेस के रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने क्या करनी है, साथ में अटैच करनी है। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। आपने स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स क्या करनी है, उस नोटिस के साथ अटैच करनी है। और उस स्टेटमेंट इतनी कॉम्प्रीहेंसिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि मुझ जैसा नलायक मेंबर भी अगर उसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए और मैं किसी नतीजे पर पहुंच जाऊं कि हाँ जी मैंने प्रपोज रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना है, एग्री करना है या उसके अगेंस्ट जाना है। ये है नोटिस ऑफ मीटिंग। अब हम बिजनेस ऊपर डिस्कस कर रहे थे, हम यहाँ पर देखते भी हैं कि बिजनेस क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीटिंग। एनी एक्टिविटी और एजेंडा आइटम टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग इज नाउन एन बिजनेस। अब बिजनेस दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। अब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जिस पर मेंबर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, डिविडेंड का अप्रूवल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, ये ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं। जब तभी मैंने वहाँ पर यह भी कहा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अल्टरेशन है, ऑथराइज्ड कैपिटल की अल्टरेशन है, नेम की अल्टरेशन है, रजिस्टर्ड ऑफिस की अल्टरेशन है, तो ये स्पेशल बिजनेसेस हैं जहाँ पर आपको क्या होता है, स्पेशली मीटिंग कॉल करनी पड़ती है, स्पेशल आप उसमें क्या क्या आती हैं चीज़ें इसके अंदर फॉल करती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कोरम ऑफ मीटिंग, जिसका मैंने पहले भी पॉइंट एक नाम लिया था, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है। कोरम ऑफ मीटिंग क्या होता है, ये सादे अल्फाज में कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि किसी भी कंपनी की जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए उस मीटिंग में रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। अब ये लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने हर क्लास की कंपनीज के लिए, क्लास मतलब क्या कैटेगरी, कैटेगरी में लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी हैविंग नॉट शेयर कैपिटल, तो इन सब क्लास की कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट ने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट दे दी है। फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी में कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 15 मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए किसी भी बिजनेस को रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो कंपनी, मैंने कहा था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का क्या होता है, लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कानून होता है, तो वो इसके अंदर इससे ज़्यादा भी कह सकते हैं। कंपनी एक्ट ने कहा है कि मिनिमम 15 होने चाहिए, कंपनी कहते, जब हम कंपनी बनाने जा रहे हैं तो हम कहते हैं आर्टिकल्स के अंदर नहीं, हमारी जो मीटिंग का कोरम होगा वो 25 मेंबर्स होंगे, मिनिमम 15 हैं, आप अपने आर्टिकल्स में 15 से कम नहीं कर सकते, 15 से ज़्यादा कर सकते हैं।
हम देखते हैं कि कोरम मीन्स ए सर्टन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी एज इन ए फिक्स्ड एज कंपिटेंट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस इन जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स इन द एब्सेंस ऑफ अदर मेंबर्स। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके जो होते हैं किसी भी मीटिंग के, उसे हम क्या कहते हैं, कोरम ऑफ दैट मीटिंग। अब ये क्या होता है, अगर कोरम फॉर एग्जांपल 15 था, आप 14 बंदे अवेलेबल थे वहाँ पर, तो कोरम पूरा ना हुआ तो कंपनी में होने वाले हर बिजनेस जो जो रेजोल्यूशन पास होगा वो इनवैलिड होगा, वॉइड होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी ने हमें क्या कर दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बता दिए हैं कोरम के लिए। अगर फ्यूचर में कंपनी इसको बढ़ा भी देता है, कंपनी डायरेक्ट या लॉ बढ़ा देता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगे इन केस ऑफ ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी। वो कहता है कि लिस्टेड कंपनी के लिए 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक इन द मीटिंग, वो फिजिकली अवेलेबल हो पर्सनली, या अभी हमने एजीएम में पढ़ा था कि थ्रू वीडियो लिंक भी होते हैं। अब वीडियो लिंक के लिए अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट हैं, सेपरेट प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, सेक्शंस हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल के सिलेबस में है। तो 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक इन द मीटिंग, 10 मेंबर्स इन प्रेजेंस अवेलेबल होने चाहिए, रिप्रेजेंटिंग 25% ऑफ वोटिंग पावर्स, 10% भी हों फिजिकली और 25% ऑफ वोटिंग पावर्स भी होने चाहिए। अगर उन टोटल 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी के, तो उन 10% के पास 25,000 शेयर्स होने चाहिए, ईदर ऑन देयर ऑन अकाउंट और एज ए प्रॉक्सी इन द मीटिंग। प्रॉक्सी क्या होती है, आप करवाते रहे होंगे, अगर आपके कोई दोस्त हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो होता है ना कि आप किसी की जगह पर अटेंडेंस लगवा देते हैं, उसे हम प्रॉक्सी कहते हैं, वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वही मतलब है कि कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर को कहते हैं कि यार आप मेरी जगह पर भी वोट दे देना। अब 10 मेंबर्स ने क्या करना है, पर्सनली अवेलेबल होना है, और एक उनके जो 25% रिप्रेजेंटेशन है वोटिंग पावर्स की, वो उनके अपनी ओनरशिप में भी हो सकती है शेयर्स की, या प्रॉक्सीज की भी हो सकती है। अब प्रॉक्सी का यहाँ पर किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, देखते हैं कि 10 मेंबर जो पर्सनली अवेलेबल हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं, या थ्रू वीडियो लिंक अवेलेबल हैं वीडियो के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, उनकी जो पर्सनल ओनरशिप में जो शेयर होल्डिंग है वो 23% है, ठीक है जी, और वो 3 एक्स्ट्रा मेंबर्स की जगह पे एज ए प्रॉक्सी भी उनमें से 3 बंदे बैठे हुए हैं, उन 3 एक्स्ट्रा की जो वोटिंग्स हैं वो 5% हैं। तो थ्रू प्रॉक्सी अब देयर ऑन एंड थ्रू प्रॉक्सी मिलाकर बन गया 28%। तो अब इनका कोरम क्या हो गया, पूरा हो गया। ये यहाँ पर प्रॉक्सीज का बेनिफिट था। अब प्रॉक्सी क्या होती है, क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह आप प्रॉक्सी भेज सकते हैं अपनी जगह पर, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं कि इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अदर कंपनी तो ठीक है समझ आती हैविंग शेयर कैपिटल भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस केस में क्या होगा, टू मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 हैं अदर देन लिस्टेड हैविंग शेयर कैपिटल के लिए 2 हैं पर्सन्स इन द मीटिंग रिप्रेजेंटिंग 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यहाँ पर जो वोटिंग पावर्स है 25% ये सेम है दोनों के केस में, यहाँ पर भी सेम, इधर ऑन देयर ऑन अकाउंट और थ्रू प्रॉक्सीज, जो लिस्टेड अदर देन लिस्टेड होती है उनके अंदर शेयर होल्डर्स भी बहुत कम होते हैं, आपको जानने वाले होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो प्रॉक्सी भी इजिली उसमें यूज हो सकती है, लग सकती है। अब इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस केस में यहाँ पर ये एनजीओ हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी हो सकती है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है, तो उस केस में कहते हैं कि एज मिनिमम नंबर ऑफ जो प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। अब ये यहाँ पर जो अथॉरिटी है, यहाँ पर जो रूल है, ये पावर दे दी गई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी को खुद दे दी गई है, कंपनी ने अपने आर्टिकल में जितना कुछ कोरम डिफाइन किया होगा वो क्या होगा, उस कंपनी का किसी भी मीटिंग का कोरम होगा। अब हम देखते हैं कि अगर कोरम किसी मीटिंग का पूरा ना हो,
अगर अबसेंस है, अगर 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड थे, 9 मेंबर्स पर्सनली अवेलेबल हैं लिस्टेड कंपनी की मीटिंग में, तो फिर क्या होगा? देखते हैं, इफ़ द रिक्वायर्ड कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कहा था कि 2 अप्रैल 2020 को कंपनी की सुबह 10 बजे मीटिंग होगी लाहौर में, जो भी रेलेवेंट प्लेस थी। अब 10:30 हो गए हैं, लिस्टेड कंपनी की मीटिंग थी, जो अवेलेबल मेंबर्स हैं प्रिफिन थ्रू वीडियो लिंक या इन पर्सनली इन प्रेजेंस, वो 8 हैं। मिनिमम कोरम कितना है? 10 है। तो वो फिर इस केस में क्या होगा? विद इन हाफ एन आवर, 10 बजे तो टाइम था मीटिंग का, 10:30 तक का टाइम है कि आप लेट आ सकते हैं। इससे अगर आप लेट होंगे तो फिर क्या होगा? तो मीटिंग इट शैल बी डिसॉल्व, मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। अगर वो मीटिंग किसने रिक्वेस्ट रिक्विजिशन की होगी? रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। ये जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के केस में हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपने कॉल की हुई है और उसमें कोरम पूरा नहीं है, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। एंड इट शैल बी एडजर्न टू द सेम डे, मतलब 2 अप्रैल, अगर कल की बात करूँ, कल है थर्सडे 2 अप्रैल, इन द नेक्स्ट वीक, तो अप्रैल के मंथ में ही नेक्स्ट जो थर्सडे होगा, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम सुबह 10 बजे ही एंड प्लेस, जो भी लाहौर में प्लेस थी, जो होटल था या हेड ऑफिस था वहाँ पर, अगर वो मीटिंग डायरेक्टर्स ने कॉल की होगी, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स ने कॉल की है और कोरम पूरा नहीं है, तो फिर वो एडजर्न्ड हो जाएगी नेक्स्ट वीक में सेम डे पे सेम टाइम पे सेम प्लेस तक। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मेंबर्स ने कॉल की है और कोरम पूरा नहीं है, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट थर्सडे को सुबह 10 बजे अगर दोबारा कोरम पूरा ना हुआ, तो फिर क्या होगा? एडजर्न हो गई ना नेक्स्ट वीक तक। अगर एडजर्न मीटिंग का भी कोरम पूरा ना हुआ, तो फिर क्या होगा? इफ़ कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट एट द एडजर्न मीटिंग एज अबव विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द एडजर्न मीटिंग। अब एडजर्न मीटिंग का भी पॉइंट अपॉइंटेड क्या था? टाइम अपॉइंटेड था सुबह 10 बजे, तो वो फिर भी कोरम पूरा नहीं था। उस केस में क्या होगा? द मेंबर्स प्रेजेंट, तो जो मेंबर्स उस टाइम प्रेजेंट होंगे इन द मीटिंग, इधर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, नॉट बीइंग लेस देन 2, तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो वहाँ पर होने चाहिए, शैल बी ए कोरम। तो फिर क्या होगा? वो मेंबर्स क्या होंगे? कोरम कंसिडर किए जाएंगे एडजर्न मीटिंग पे। तो एडजर्न मीटिंग पे जो वो 10 मेंबर्स वाला या 25% शेयर होल्डिंग वाला वोटिंग पावर वाला जो रूल था, वो अप्लाई नहीं होगा अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि जो इस प्रोविजन पे, जो मैंने यहाँ पर ये प्रोविजन दी है, जहाँ पर किसके पास अथॉरिटी है? मेंबर्स आर्टिकल्स के पास अथॉरिटी है। यहाँ पर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात है, उसको क्या दिया जाएगा? अहमियत दी जाएगी। अगर आर्टिकल्स कहते हैं कि नहीं जी, एडजर्न मीटिंग पर भी हमारा कोरम वही रहेगा जो हमारी एक्चुअल मीटिंग पर रहना है, तो फिर यहाँ पर ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। ये था आपका कोरम ऑफ मीटिंग। अब इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मेंबर्स वोट किस तरह कर सकते हैं, प्रॉक्सीज क्या होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।